हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाउइटेबल्स इन अर्पिताज किचन। मैं हूं अर्पिता और आज आपके लिए लेकर आई हूं भिंडी की रेसिपी। तो आज हम भिंडी की मसालेदार सब्जी बनाने वाले हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, और आज हम इसे बिना लहसुन बिना प्याज के बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भिंडी की ये सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इधर 300 ग्राम भिंडी ली है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अभी इसे हम काटेंगे। तो काटने के लिए सबसे पहले इसके एजेस को निकाल देंगे। ये देखिए, दोनों साइड से इसके एजेस रिमूव कर दें। और अभी हम भिंडी को लंबा लंबा चार टुकड़ों में काट लेंगे। अगर भिंडी ज़्यादा बड़ी साइज़ की है तो हमें उसमें ज़्यादा टुकड़े काटने होंगे, अगर छोटी साइज़ की है तो चार टुकड़ों में काटेंगे। कोशिश करिएगा कि एक जैसे साइज़ की भिंडी लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में। तो ये देखिए, इस तरह से ही हम दूसरी भिंडी को भी काट लेंगे। ये देखिए, सारी भिंडी कटकर तैयार हो गई है। अभी मैं इधर ले रही हूँ 6 से 7 हरी मिर्चें। तो हरी मिर्च को भी हमें लंबा लंबा काटना है, तो मैं ये सीज़र की हेल्प से काटूँगी। सीज़र से इजीली कट जाती है मिर्ची, इसलिए। तो ये देखिए, इसकी जो डंठल होती है ना, इसको निकाल देंगे और अभी हम इसे लंबा लंबा काट लेंगे इस तरह से। तो ये बस दो टुकड़ों में लंबा काटना है मिर्ची को। तो इधर मिर्ची भी कटकर तैयार हो चुकी हैं। तो अभी चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अभी इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। तेल को खूब अच्छे से गर्म करेंगे और उसके बाद गैस सिम कर देंगे, उसका थोड़ा धुआं निकलने देंगे। तो देखिए, अभी तेल थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, तो उसमें हम ऐड कर देंगे ये अजवाइन, और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तेल का नॉर्मल करना इसलिए ज़रूरी है, वरना आपके मसाले जल जाएंगे। ये देखिए, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिली जो हमने काट कर रखी थी, और अब हम इसमें डाल देंगे ये भिंडी। ग्रीन चिली को बस 1 मिनट तक फ्राई करना है। थोड़ा सा फ्राई हो जाती है तो इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस भिंडी को भी अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। साथ ही में डाल देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैंने कश्मीरी यूज़ की है क्योंकि मैंने यहाँ हरी मिर्ची का भी यूज़ किया है। और अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर। इसमें मसाले थोड़े से ज़्यादा पड़ते हैं। और अब मैं इसमें डालने वाली हूँ ये सौंफ का पाउडर। ये दरदरी पिसी हुई सौंफ है, इसे भी हम 2 चम्मच ऐड करेंगे। धनिया पाउडर और सौंफ में कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा, दोनों अलग अलग चीज़ यहाँ यूज़ करी हैं। और अभी इनको सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब्जी को अच्छे से मिक्स करने के बाद जस्ट हम इसे 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल मत पकाइएगा, क्योंकि भिंडी को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। तो ये देखिए, हमने इसे कवर कर दिया। 2 मिनट हो चुके हैं, भिंडी को एक बार ओपन करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए, भिंडी काफ़ी हद तक पक चुकी है, मीन्स 50% जैसा पक गई है, क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। तो बस अभी इसको हम खुला करके ही पकाएंगे, इसको बिल्कुल कवर नहीं करेंगे, बस खुला करके ही इसे बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर यानी कि खटाई, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस मैंने ऑफ़ नहीं किया है अभी, और इसको ऐसे ही फ्राई करते रहना है। इसको फ्राई करने में लगभग 5 से 7 मिनट लगेगा। सेम गैस पर हमें इसी तरह से बस फ्राई करते जाना है। बस इसे बीच बीच में चलाते रहना है, इसे थोड़ा अलट पलट करते रहना है। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, भिंडी सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। इस टाइम पर हम गैस ऑफ़ कर देंगे और इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए, ये भिंडी बहुत ही मज़ेदार लग रही है। इसको ना पूड़ी, पराठे किसी के भी साथ खाएं, बहुत टेस्टी लगती है। स्पेशली पूड़ी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं, ये जल्दी से ख़राब नहीं होती। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।